हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट सेवन वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट सेवन वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा है चेक द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 11 देखते हैं। दिया है ऑपरेशन स्टार ऑन ए नेचुरल नंबर पे, डिफाइंड डिफाइंड बाई ए स्टार बी, यानी ए ऑपरेशन बी, ए का पावर बी। ये कैसे डिफाइन हो रहा है? तो पहले वाले के पावर में दूसरा वाला चला जा रहा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे चलते हैं कम्यूटेटिव के लिए। फॉर कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर यह बराबर होता है तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। चलिए एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी, तो ए और बी का ऑपरेशन, तो ए का पावर बी हो जाएगा। आरएचएस लेते हैं, आरएचएस में है आपका बी ऑपरेशन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी का पावर ए हो जाएगा। पहले वाले के पावर में दूसरा वाला चला जाएगा, ठीक है। तो क्या ये नेचुरल नंबर्स के लिए हमेशा इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल है बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल, सभी नेचुरल नंबर के लिए ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो लिख सकते हैं कि हेंस 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 ऑपरेशन ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए देखते हैं, एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए मुझे यहाँ दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अगर ये इक्वल होता है तो आपका एसोसिएटिव हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं, तो इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या है? ए ऑपरेशन बी और फिर ऑपरेशन सी, तो ए और बी का ऑपरेशन ए का पावर बी, और इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा? तो ए का पावर बी, देख लीजिए ए का पावर बी, और देखिए इसी का हम लोग पावर में दे देंगे आपका सी, ऐसे ही ना हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा ए का पावर बी सी। चलिए आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ पर ए ऑपरेशन बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा बी का पावर सी, अच्छा, और इन दोनों का ऑपरेशन था ए के पावर में ये चला जाएगा, तो ये क्या इक्वल हो जाएगा? नहीं ना हो सकता है। यहाँ ए का पावर में बी सी है, और यहाँ ए का पावर बी और बी का पावर सी दिया हुआ है, तो ये कभी भी इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर के लिए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए नहीं हो सकता है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये इक्वल नहीं हो सकता है। हेंस हेंस ऑपरेशन 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 स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसका 12 नंबर। ये ऑपरेशन है स्टार ऑन जेड पर, यहाँ पे क्या है? ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन है? ए माइनस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए देखते हैं हम लोग, पहले कम्यूटेटिव देखते हैं। फॉर कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए ऑपरेशन बी बी ऑपरेशन ए के इक्वल है कि नहीं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये हमें चेक करना होगा पहले, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं इसका एलएचएस। तो एलएचएस में क्या है आपका? ए ऑपरेशन बी है, तो कैसे डिफाइन होगा? तो इनके दोनों के डिफरेंस से। आरएचएस लेते हैं, तो आरएचएस में क्या हो जाएगा? आरएचएस में है आपका बी ऑपरेशन, तो बी और ए का ऑपरेशन क्या होगा? तो इनके डिफरेंस से, तो क्या ए माइनस बी बी माइनस ए के कभी इक्वल होगा? नहीं ना होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू है बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल
ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, हर एक इंटीजर के लिए कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, तो लिख सकते हैं कि यहाँ हेंस ऑपरेशन ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ये आपका कम्यूटेटिव नहीं है ऑन इंटीजर। अब देखते हैं एसोसिएटिव के लिए, फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए मुझे यहाँ क्या करना होगा, एसोसिएटिव के लिए मुझे दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, अगर इक्वल नहीं होता तो एसोसिएटिव नहीं होगा, ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए देखते हैं इसका LHS लेते हैं, तो LHS में क्या है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले ए और बी का ऑपरेशन तो इनका डिफरेंस, और फिर इसके साथ ऑपरेशन सी तो अब इनका डिफरेंस, तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। चलिए RHS लेते हैं, RHS में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, अच्छा यहाँ पर बी और सी का ऑपरेशन बी माइनस सी, इन दोनों का ऑपरेशन ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है तो साइन बदल गया, तो ये दोनों क्या सेम हुए, नहीं ना हुए, देयरफोर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल हो जाएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो लिख सकते हैं कि यहाँ हेंस हेंस ऑपरेशन जो हमारे पास है ऑपरेशन ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव एसोसिएटिव ऑन जेड। ठीक है, चलिए अब इसका 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर में दिया हुआ है ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में ए बी बाई फोर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। चलिए देखते हैं, तो हमें चेक करना है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, तो पहले देखते हैं फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव के लिए अगर बात करें तो मुझे दिखाना होगा इसमें कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यही ना हमें दिखाना होगा। चलिए देखते हैं कम्यूटेटिव के लिए, तो यहाँ पे इसका LHS लेते हैं, तो LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी, तो ए बी का ऑपरेशन तो दोनों के प्रोडक्ट में हमें फोर से डिवाइड कर देना है। अच्छा अब RHS लेते हैं, तो RHS में क्या है आपका बी ऑपरेशन ए है, तो यहाँ भी दोनों के प्रोडक्ट में फोर से डिवाइड कर देना है। तो हम लोग जानते हैं कि ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल नंबर के लिए ए इंटू बी बी इंटू ए के, यानी कम्यूटेटिव लॉ को यहाँ फॉलो करेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसे ए बी बाई फोर भी, तो ये दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफोर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू है बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, हेंस हेंस ऑपरेशन ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन क्यू। ठीक है, अब हम लोग अब एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं, फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए मुझे इसमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए किसके, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, यही ना करना है। चलिए हम लोग इसका LHS लेते हैं, तो LHS में दिया है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए और बी का ऑपरेशन क्या होगा, तो इनटू करके फोर से डिवाइड कर देंगे, अब इन दोनों का ऑपरेशन तो दोनों को इनटू कर लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं फोर से, तो यहाँ ए बी सी बाई में 16 हो जाएगा। RHS लेते हैं, RHS में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी का ऑपरेशन करेंगे तो बी सी बाई फोर, अब इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो इनटू कर दो और फोर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा ए बी सी बाई 16, दोनों सेम आ गया ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफोर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस हेंस ऑपरेशन ऑपरेशन स्टार
इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ऑन क्यू, एसोसिएटिव ऑन क्यू, यानी कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों हो गया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा है ऑपरेशन स्टार ऑन जेड डिफाइन बाई ए ऑपरेशन बी, इनके एक क्या करना है, तो ए प्लस बी हो रहा है और माइनस में ए बी, यानी इन दोनों को एक बार ऐड करके और एक बार प्रोडक्ट करके उनका सबट्रैक्शन निकाल लेना फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। चलिए देखते हैं पहले कम्यूटेटिव के लिए। फॉर कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव की बात करेंगे तो मुझे इसमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के, तभी ना कम्यूटेटिव होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, चलिए देखते हैं एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या होगा, तो ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे और एक बार प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है आपका बी ऑपरेशन है, तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और एक बार बी इंटू ए ऐसे लिख देना। तो हम लोग जानते हैं कि आपका ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इंटीजर्स के लिए, और ए इंटू बी भी बी इंटू ए के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई भी इंटीजर का सम होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को और इंटीजर का प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ये हम लोग ये जानते हैं, है ना जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे हम लोग ए प्लस बी लिख सकते हैं और इसे ए बी लिख सकते हैं, इसको बी इंटू ए को, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए ना, देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल हो गया बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस हेंस ऑपरेशन ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव ऑन जेड। चलिए फॉर एसोसिएटिव एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव के लिए बात करते हैं, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तभी एसोसिएटिव होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। चलिए देखते हैं एक बार एलएचएस और एक बार आरएचएस लेके। एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए और बी का ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस में ए बी, और फिर अब इसका सी के साथ ऑपरेशन करेंगे, तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर माइनस कर देंगे इन दोनों के प्रोडक्ट से, ये ना करेंगे। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, माइनस का ए सी माइनस का बी सी और प्लस का ए बी सी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी का ऑपरेशन करते हैं, तो बी और सी का ऑपरेशन होगा बी प्लस सी माइनस में बी सी। अब इसका ऑपरेशन क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को पहले ऐड कर लेना होगा, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों के प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, यहाँ पे आएगा माइनस का ए बी माइनस का ए सी और यहाँ पे प्लस का ए बी सी, तो दोनों तो सेम ही आ जा रहा है, देख रहे हैं ना, सेम ही आ रहा है ना दोनों। चलिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है आपका, इंटीजर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस हेंस जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव एसोसिएटिव ऑन जेड, ये एसोसिएटिव है इंटीजर पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 15 नंबर। ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू डिफाइन बाय ए ऑपरेशन बी जी सी डी ऑफ ए एंड बी, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कहने का मतलब एच सी एफ की बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानी एच सी एफ, ठीक है, ए और बी के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए, तो हम लोग पहले कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। फॉर कम्यूटेटिव कम्यू
कम्यूटेटिव की बात करते हैं। तो कम्यूटेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसका LHS लेते हैं। तो LHS देखिए, ए ऑपरेशन बी, तो ए और बी का ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड बी, यही ना होगा। अच्छा, अगर RHS की बात करें तो RHS में है आपका बी ऑपरेशन है, तो बी और ए का ऑपरेशन क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यानी बी एंड ए यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ए और बी का निकालिए या बी और ए का निकालिए, दोनों सेम ही होता है, दोनों सेम ही होता है। तो हम जानते हैं ना जी, दो नेचुरल नंबर का HCF, दो नेचुरल नंबर का HCF जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, एक ही बात है, HCF कहिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल हो जाएगा यहाँ बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन जो हमारा ये हो रहा है, ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन नेचुरल नंबर। चलिए अब देखते हैं एसोसिएटिव के लिए, फॉर एसोसिएटिव। चलिए तो एसोसिएटिव की मैं बात करूंगा तो यहाँ, तो चलिए मुझे क्या दिखाना होगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसका पहले LHS लेते हैं, तो LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए और बी का ऑपरेशन ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए बी, ठीक है, और फिर ऑपरेशन में सी है, तो अब इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ए बी और सी का। ठीक है, RHS लेते हैं, RHS में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए एम बी सी, अब इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे ए और यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ बी सी का, तो वो हो जाएगा क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ ए बी एंड सी का। ठीक है, तो दोनों का देख रहे हैं ना, दोनों का ऑपरेशन करने पर सेम ही आ रहा है, यानी हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, LHS RHS के बराबर आ जा रहा है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इक्वल हो गया, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव एसोसिएटिव ऑन एन नेचुरल नंबर पे एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है, इज डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस में ए बी ऑन द सेट Q, यानी Q क्या है आपका, ये Q आपका रेशनल नंबर है, बस किसको छोड़ के, माइनस वन को, फॉर ऑल रेशनल नंबर अदर देन वन, अदर देन माइनस वन देना चाहिए था, सो डैट द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव ऑन इतना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वन दिया है तो यहाँ भी आप वन ही कर देना, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस का ही वन कर देना, देख रहे हो ना, यहाँ पे ठीक है, तो अगर ये ठीक है तो यहाँ पे हमें माइनस हटाना होगा, तो हमें ये दिखाना है कम्यूटेटिव है। चलिए देखते हैं हमें क्या करना है, तो हमें दिखाना है कम्यूटेटिव, तो लिखेंगे फॉर कम्यूटेटिव ए ऑपरेशन बी, हमें दिखाना होगा कि बी ऑपरेशन ए के, यहाँ ऑपरेशन का सिंबल दूसरा यूज किया है, बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेगा, तो रेशनल नंबर से, बस वन को छोड़कर, ठीक है, वन को छोड़कर कोई और रेशनल नंबर से। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो हम लोग LHS लेते हैं, तो LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी क्या होगा, ए प्लस बी माइनस का ए बी हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस का ए बी हो जाएगा ना इतना। चलिए, अच्छा RHS लेते हैं,
तो अगर मैं बी ऑपरेशन ए की बात करूं, तो यहाँ बी और ए का ऑपरेशन, तो दोनों को सम कर देना है और एक बार मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा लेना है, इन्हें करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर के लिए, तो ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होगा, और ए इंटू बी भी बी इंटू ए के इक्वल होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल नंबर, बस वन को छोड़कर, यहाँ वन को छोड़ने के लिए कह रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा आपका ए प्लस बी, क्योंकि बी प्लस ए प्लस बी के इक्वल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर का जो सम होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, उनका प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए इंटू बी ये हो जाएगा, बी इंटू ए इंटू बी के इक्वल है। तो ये दोनों सेम हो गया, देयरफॉर हम लोग ये सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी इक्वल है बी ऑपरेशन ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्यू, बट वन को छोड़कर। तो लिख सकते हैं कि हेंस जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव ऑन क्यू, बस किसको छोड़कर, वन को छोड़कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सो डेट द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जेड डिफाइंड बाई ऐसे डिफाइंड इज नॉट कम्यूटेटिव। तो चलिए देखते हैं, फॉर कम्यूटेटिव की बात करेंगे, कम्यूटेटिव की बात करेंगे, तो कम्यूटेटिव में मुझे दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए, तो हम लोग इसका LHS लेते हैं। तो LHS में है आपका ए ऑपरेशन बी, कैसे डिफाइन होगा, तो पहले वाले का 3 times और दूसरे वाले के 7 times को ऐड कर लेना है। RHS लेते हैं बी ऑपरेशन, पहले वाले का 3 times दूसरे वाले के 7 times के साथ ऐड कर लेना है। तो क्या ये कभी इक्वल हो सकता, नहीं ना हो सकता। देयरफोर ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, सभी इंटीजर के लिए कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आपका कम्यूटेटिव नहीं है ऑन जेड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी ए ए बी प्लस वन, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट में वन को ऐड करना है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, प्रूव दैट द ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन जेड। तो हम लोग यहाँ पे एसोसिएटिव चेक करना है, तो अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूंगा, तो एसोसिएटिव के लिए मुझे दिखाना होगा यहाँ कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, अगर नहीं होता है इक्वल तो ये आपका एसोसिएटिव नहीं होगा। ए बी सी किसे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो इसका हम लोग LHS ले लेते हैं। तो LHS में आपका है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए बी का ऑपरेशन क्या होगा, तो दोनों को प्रोडक्ट करके वन ऐड कर लेना है, फिर ऑपरेशन में सी है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों को प्रोडक्ट करके एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके वन को ऐड कर लेना है, तो यहाँ ए बी सी प्लस सी प्लस वन होगा। ठीक है, अब RHS लेते हैं, तो RHS में है आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी का ऑपरेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी का ऑपरेशन करेंगे, तो बी सी प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का ऑपरेशन, तो दोनों को प्रोडक्ट कर लेंगे, इंटू कर लेंगे और फिर वन ऐड कर देंगे, यहाँ ए बी सी प्लस ए प्लस वन होगा। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं ना है, देख रहे हैं ना, यहाँ सी है यहाँ ए है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ये आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी नॉट इक्वल टू है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन जेड, ये आपका एसोसिएटिव नहीं है जेड पे। ठीक है, इंटीजर पे, देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में दिए हैं। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 channels को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
दूसरा है आपका भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। आपको सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक करिए और ध्यान रहेगा आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। और प्लीज़ तीनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।